5 यूट्यूबर्स जो आपको लगता है कि स्कैम कर रहे हैं? हमारा दोस्त एक ही है, कुछ सेबी रजिस्टर्ड IARA भी ये काम कर। सर आपका पैसा नुकसान हुआ है ना, अरे रिकवरी करवा देंगे सर। आपको इतनी फीस देनी है, आप इतनी फीस दीजिए, उसके बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। या आप पहले लोगों को चैनल पर बुलाते हैं, उसके बाद वीडियो डिलीट करके उन्हीं को एक्सपोज वीडियो बना देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट को सिर्फ इसलिए छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज हमारे रूल्स जो रेगुलेटर लेके आता है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको कोई भी अमीर नहीं कर सकता है। द ओनली वे टू गेट रिच इज वर्क वर्क वर्क। इनफाइनाइट बीकन करके 5,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है। हमने अपनी जेब से 10,000 रुपए उस पॉन्जी स्कीम में लगाए। विद इन 5 डेज हमारा 10,000 10,300 में बदल गया। 3% रिटर्न इन अ वीक। आपका 10,000 का मैं 1,00,000 रुपए कर दूंगा एक महीने के अंदर। कुछ जादू है क्या? जो सच कोई सुनना नहीं चाहता है या बताना नहीं चाहता है या खोजना नहीं चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे किसी से कोई दोस्ती नहीं है। हम उस बंदे को गलत प्रूफ करके सामने अपने चैनल पे बोलते हैं, तुमने गलत किया, हम तुम्हारा वीडियो डिलीट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मर्जी आप स्टार गेस्ट नाम ले लीजिए, हम उसका एक्सपोज जो एक्चुअल में हम कर चुके हैं अपने चैनल नाम लेके करते हैं। हम अलग से सेबी पास मत करता रहता हूँ, बीच में सेबी को मेल कर देता हूँ, आप ये चीज़ कर दीजिए, आप ये चीज़ कर दीजिए। मुझे पता है कि करना होगा, कर लेंगे, तो नहीं करेंगे। असीम जुनेजा जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। 3 घंटे का ट्रैफिक झेल के आया हूँ, बट स्टिल गॉट दी एनर्जी टू चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो ट्रैफिक मिलना कहाँ से शुरू हुआ आपको? चंडीगढ़ दिल्ली में नहीं मिला है, तो 5 घंटे में पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो दिल्ली से मिलना शुरू हुआ होगा। एक्चुअली हम रात को ही आ गए थे। अच्छा, अभी जब आए हैं गुड़गांव से ऑफिस में, तो थोड़ा अभी 2 दिन पहले थोड़ा माहौल बना हुआ है ना। अभी 2 दिन पहले हमारा एक मित्र गुड़गांव से आया था, तो उसने 6 घंटे ट्रैवल किया गुड़गांव से नोएडा आने के लिए। हमने अपने आप को बदला नहीं है पिछले 8 सालों में। हाँ, 7-8 सालों से आप स्टॉक मार्केट के कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। 2015 में मैं स्टॉक मार्केट में आया था, 2016 में हमने अपना कॉन्टेंट बनाना शुरू किया था। ओके, तब से हम वही कर रहे हैं। हमने डोमेन या इंडस्ट्री चेंज नहीं किया है। जिस तरह से इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदलते गए हैं, हमने अपने आप को मोल्ड करते रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट हो, या वो वीडियो के शॉर्ट्स हो, या लॉन्ग फॉर्म्स हो। मेजरली आपके ज़्यादातर वीडियोज़ जो मैं देखता हूँ, पॉडकास्ट भी होते हैं, एक्सपोज वाले काफ़ी होते हैं, और सेबी के रिलेटेड कुछ गाइडलाइन या कुछ गलत या कुछ सही हुआ तो उस पर आप बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। वेल रिसर्च होता है आपका कंटेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये इतनी डीप रिसर्च, चाहे किसी को एक्सपोज करने के लिए हो या सेबी के बारे में कुछ बात करने के लिए हो, तो इसके लिए अच्छी खासी टीम बिठा रखी होगी अपनी। मतलब टीम है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस या नंबर डेटा माइनिंग कुछ ऐसा, तो मेरा बैकग्राउंड काइंड ऑफ हेल्प्स मी इनटू दिस। तो मैं रिसर्च बैकग्राउंड से भी रहा हूँ। उस समय नहीं पता था कि ये सब चीजें बाद में इतनी काम आएंगी। तो अब जब किसी का सेबी में कुछ चेक करना होता है, तो वी ऑलवेज लुक एट द एक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ सेबी पिछले कुछ सालों की। हम बुक्स पढ़ते हैं जो कि सेबी के एक्स चेयरपर्सन या ओल्ड टाइम डायरेक्टर्स ने लिखी होती हैं, या हम मोर और लेस जो मार्केट में मीडिया में डेटा चल रहा होता है, वी मेक श्योर वी कीप आर्काइव ऑफ एवरीथिंग, ताकि आगे चल के जब हम पीछे का डेटा चेक करना चाहें तो हमारे पास एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट हो, सो दैट वी कैन याद दिला सकें हम जिनको याद दिलाना है कि पहले ये होता था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग। तो फिर भी ये रिसर्च का जो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं कि हमें ये यहाँ यहाँ सोर्स से डेटा उठाना है, इस पैटर्न से डेटा रिसर्च करना है, ऐसा कुछ? सो लाइक आई सेड कि हम जैसे कोई कुछ भी नया रूल आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मार्केट में बिना रूल के मार्केट चल रही थी, हाउ वॉज इट हैपनिंग बिफोर, और उस समय क्या रीजन्स के बेस पे सेबी ने या रेगुलेटर ने डिसाइड किया था कि इसको इस तरह के रूल से चलने देना है। एंड देन व्हेन द रूल कम्स इन, किस तरह से उसको चेंज, वो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को कैसे चेंज करेगा, रिटेलर्स को कैसे देखेगा, ब्रोकर्स को कैसे देखेगा, एक्सचेंजेस कुछ ज़्यादा दे काइंड ऑफ गेट अकस्टम टू व्हाटएवर चेंजेस सेबी डज इन
पिछले कुछ सालों से, अभी ऐसा नहीं हुआ है, पहले से भी ऐसा होता रहा है। सो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सचेंज लेवल से नहीं आता है, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज, जिसमें ब्रोकर आइए आ रहे आते हैं, और व्हेन इट कम्स टू रिटेल इन्वेस्टर, उनको बहुत शिफ्ट करना पड़ता है अपने आप को, अपने बिहेवियर को। कई लोग वैसे ही मार्केट से शिफ्ट हो जाते हैं, कई लोग मार्केट में अपने आप को, उनको अगर बिजनेस की तरह देखते हैं, अगर बिजनेस में कुछ चेंज करना पड़ता है तो अपने आप को चेंज करता है बिजनेस, जैसे कि हम कंटेंट को चेंज करते रहते हैं अपने बार बार डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री डायनेमिक्स। सो ट्रेडर भी चेंज करता है, इन्वेस्टर भी चेंज करता है, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट को सिर्फ इसलिए छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द रूल्स जो रेगुलेटर लेके आता है, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपने जो कहा कंटेंट हम बदलते रहते हैं, ये कंटेंट बदलने का मतलब किस किस तरह के कंटेंट और क्यों बदलते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है आपकी कंटेंट को लेकर के? सो कंटेंट का इंडस्ट्री या डोमेन चेंज नहीं होता है, कंटेंट का बताने का तरीका चेंज होता है। सो पहले 200 वीडियोस जो ओडिसी ब्लॉगर पे हमने किए थे, उसमें मेरी सिर्फ आवाज़ थी, ऑडियो वीडियो नहीं था। बैक इन 2016 वॉइस ओवर ओनली, वॉइस ओवर होता था, एक प्रेजेंटेशन बनाते थे हम, आई वाज अलोन, मैं अकेला ही था तब, तो मैं प्रेजेंटेशन बनाता था और दिन में मैं 3 वीडियोस ऐसे शूट करता था, और 3 वीडियो रोज, रोज 3 वीडियोस, और रोज 2 शूट, 2 पब्लिश होते थे और एक आर्काइव में जाता था। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैं दिन के 5 आर्टिकल लिखता था, वो अलग स्टोरी है। तो पहले हम ऑडियो वॉइस ओवर्स करते थे विद वीडियो प्रेजेंटेशन, उसमें भी ब्रोकर्स के कंपैरिजंस एंड ब्रोकर इंडस्ट्री के बारे में क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। एंड आगे आगे चल चल के व्हेन वी आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि यार सामने आता हूँ, तो मैं एक इंडिया बुल्स के इवेंट में गया था, वहाँ पे पहली बार मैं चेहरे के साथ वीडियो बनाया था, आई रिमेंबर बैक इन 2018-19 की बात है। फिर वी जनरली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जो भी से भी मूव करता है या मार्केट में जो भी नई न्यूज़ आती है, वीडियो बना दो, दिन का एक वीडियो चल रहा है, दिन के 2 वीडियो चल रहे हैं, देन इट स्टार्टेड टेकिंग इट मोर सीरियसली कि हम सिर्फ जो चल रहा है उसकी बात ना करें, हम जो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं मार्केट में किसी भी लेवल के पार्टिसिपेंट को, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, जो सच कोई सुनना नहीं चाहता है या बताना नहीं चाहता है या खोजना नहीं चाहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो धीरे धीरे इन लास्ट 2-2.5 ईयर्स हमने अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट रिसर्च एंड प्रोडक्शन बहुत सीरियसली लिया है। हम बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं करते हैं अब, बट वी हैव मेड श्योर के हम पॉडकास्ट भी करें ताकि लोगों को अवेयर कर सकें। हम पॉडकास्ट भी जनरली 90% ऑफ द पॉडकास्ट दैट वी डू आर फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर्स सेल्फ। हम वो कुछ स्टार गेस्ट लाए हैं बीच बीच में, बट इट हैजंट रियली वर्कड वेल। तो जनरली हम रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर को ही बुलाते हैं कि भाई तुम ही आओ, तुम ही बताओ तुम्हारी जर्नी क्या है, दैट इज़ वन आस्पेक्ट। हम बाजार के बोल करते हैं, जहाँ पे हम शहरों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, गांव में भी गए थे एक पंजाब के गांव में, वी कैन आस्क कि सेबी के पता है आपको सेबी क्या है, तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है, मोस्ट लाइकली उनको आरबीआई भी नहीं पता होगा। सो बट ट्राई टू गेट द आइडिया कि कितना किस लेवल के लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या बोल के उनको बहलाया जा सकता है, उस चीज़ की एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक हम खुद करने जाते रहे हैं। तो दैट इज़ वन फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। फिर रिसर्च का कंटेंट आ जाता है, फिर एक्सपोज का कंटेंट आ जाता है। सो देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट जो हम धीरे धीरे अपने आप में लेके आते रहे हैं, बट इंडस्ट्री और रिटेल इन्वेस्टर दैट हैज़ बीन ऑलवेज एट द करेक्ट। हमने अपने आप को इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं किया है। वी आर नॉट अ चैनल दैट मूव्स अबाउट थिंग्स और उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चल रही हैं, हम उन बारे में बात कर रहे हैं जिनके जो चल नहीं रही हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हम वो बात करते हैं। ट्रू। आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक इल्ज़ाम आप पर मुझे समझ में आया कि आप पहले लोगों को चैनल पर बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसके बाद वीडियो डिलीट करके उन्हीं को एक्सपोज वीडियो बना देते हैं। फेयर इनफ। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये सवाल बहुत शुरुआत में ही पूछ लिया। सी जब भी हमारे पास कोई आता है ना, हमें कहता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक स्पेसिफिक केसेस, जेनरिक बात नहीं करेंगे, जेनरिक बात नहीं करते हम, भी नाम लेके बात करते हैं। हाँ, चलेगा। सो देयर वाज सोल्जर गाय, स्कैल्पर करके लड़का है दिनेश। सो उन्होंने हमें क्या सोल्जर थे पहले, अच्छा ओके, फौजी, दैट्स हाउ ही रीच्ड आउट टू अस। वो फौजी थे, अब उन्होंने मेल किया, कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, अपने बैकग्राउंड दिखाई, ट्रेडिंग दिखाया। नाउ सी हम उस समय जब पीएनएल चेक, हम पीएनएल हमेशा चेक करते थे, बट तब हम स्क्रीनशॉट चेक कर लेते थे, किसने स्क्रीनशॉट शेयर किया, वी कैन ट्रस्ट इट कि हाँ स्क्रीनशॉट है, वी कैन ट्रस्ट। उन्होंने भेजा जैसे बाकी लोग भेजते हैं, हमने शूट किया। अब उसके बाद उनको सक्सेस मिल गया, वो सक्सेस शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस गलत तरीके से काम करना शुरू किया उन्होंने, तो वी आर दी ओनली चैनल दैट एक्चुअली एक्सपोजेज देम बैक। हमारी किसी से कोई दोस्ती नहीं है, हम उस बंदे को गलत प्रूव करके सामने अपने चैनल पर बोलते हैं कि तुमने गलत किया, हम तुम्हारा वीडियो डिलीट कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग, वी आर द ओनली चैनल हु इज़ डूइंग इट। आई मीन वही जो गेस्ट होते हैं ना, वो कहीं और भी जाते हैं,
शायद वो लोग भी वीडियो डिलीट कर देते हैं और वो दोबारा वीडियो नहीं बनाते हैं कि हमने डिलीट कर दिया। हम अपनी आँखें गलती मानते हैं कि हमने अपने आज की तारीख में अगर आपको अप्लाई करना है ना किसी को, कोई भी जो भी देख रहा है इस वीडियो को, आप अप्लाई करके देखो, आपका पहले एक वर्बल चेक होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप ही ने किया है या आप सिर्फ बोल रहे हैं। PNL तो चेक होगा ही। इनकॉग्निटो मोड में आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, हम PNL आपका वहाँ पे आपके लॉगिन पे, अब हम लॉगिन नहीं लेते हैं, आप लॉगिन करिए खुद और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाइए, और सॉरी स्क्रीन शेयरिंग में दिखाइए। उसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म में लिखा होता है कि मेरा कोई प्राइवेट टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं कोई इलीगल अनरजिस्टर्ड टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सेबी का कोई रूल्स का वायलेशन नहीं करता हूँ। उसके बाद उसका साइन करवाते हैं, वो फॉर्म सबमिट होता है, जो फॉर्म सबमिट करता है उसी को ही हम मौका देते हैं अपने पॉडकास्ट के रूप में, गेस्ट के रूप में बैठने का। हम अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो 3 का PNL वेरीफाई होता है, 7 लोग झूठ बोल रहे होते हैं, PNL में लॉस में होते हैं, और 3 में से एक ही बंदा साइन करके देता है कि हम साइन करने को तैयार। एज ऑफ नाउ हम उस स्टेज पे हैं, हो सकता है इसमें भी लूप होल हो, आगे चल के हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। हमारा दोस्त एक ही है, रिटेल इन्वेस्टर, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी आप स्टार गेस्ट नाम ले लीजिए, हम उसका एक्सपोज जो एक्चुअल में है हम कर चुके हैं अपने चैनल पे, नाम लेके करते हैं, बता के करते हैं कि ये गलत किया है इसलिए हटा रहे हैं। यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन अ डिजिटल ब्लॉगर, वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टेड चैनल, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, और कई बार कोई गलत तरीके से बता के कुछ आ जाता है तो उसको बाहर निकालने का भी हिम्मत रखते हैं। तो आपके साथ जो गेस्ट आए होते हैं और उनको जब आप एक्सपोज करते हैं, तो गेस्ट का फिर से रिएक्शन क्या रहता है? वो कहते हैं कि चैनल वीडियो डिलीट कर दो भाई, ये क्या कर दिया, हम तो दोस्त थे, ऐसा कुछ? बहुत सारे, देखो पहली बात तो बहुत सारे केस हुए नहीं है, 2 या 3 केस हुए हैं, और उन केसेस में भी उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने कहा कि आई एम गोना डिलीट योर वीडियो, द पर्सन स्टार्टेड क्राइंग एंड द पर्सन सेड के बट देन उनको भी पता है ना कि आई कांट स्टैंड विद दैट पर्सन एनीमोर, उन्होंने मुझे भी तो बेवकूफ बनाया ना, दे काइंड ऑफ फूल्ड अस एज वेल, बिकॉज या तो है ना कि उन्होंने बता के रखा है कर दो कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है हमें भी, तो हम क्यों ना करेंगे, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। वो रोते रहे, वो करते रहे, हमारे पास कोई इमोशन नहीं है सर आपके लिए। तो झूठ क्या है, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर थे और उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग अपने आप को बताया और आपके पास आए, दैट्स अ ह्यूज लाई सर, छोटा झूठ नहीं है। हाँ, आप उसके बेस पे ही तो मार्केट में, सी समबडी कम्स ऑन ए पॉडकास्ट, उनका एक ऑडियंस बेस बनता है, उनका एक ट्रस्ट बनता है। क्यों ट्रस्ट बनता है? क्योंकि वो इस पॉडकास्ट पे आए, हमारे पॉडकास्ट पे आए, हमने बहुत मेहनत करके कुछ एक हल्का फुल्का ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट किया है। अगर हम किसी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो उसके साथ भी वो ट्रस्ट साथ में जाता है। हमारे नाम पे ट्रस्ट के बेस पे वो बंदा अगर कुछ गलत काम करता है तो सर वो झूठ छोटा तो है नहीं। सर बहुत अच्छी बात यह है कि हमने कुछ लीगल नहीं किया, वी कुड हैव डन दैट एज वेल, दिस इज ए क्लियर केस ऑफ 420, झूठ बोला जा रहा है ना, और हमारे ट्रस्ट के बेस पे लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। आई मीन वी आर द ओनली चैनल दैट टॉक्स अबाउट नॉट मिसलीडिंग यू रिटेल इन्वेस्टर, और हमारे चैनल पे आके ही ऐसे गलत काम करके आप उनको मिसलीड करते हो। तो ट्रेडर्स ऐसा क्यों करते हैं, वो खुद लॉस में होते हैं लेकिन अपने आप को प्रॉफिटेबल क्यों दिखाते हैं? ओके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ट्रेडर इन्वेस्टर और नॉर्मल इंसान भी ना, ट्रेडर इन्वेस्टर कौन है, नॉर्मल बंदा ही तो है। नॉर्मल बंदे को मिसलीड करना, आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड ये नए स्टारशिप जो बन गई हैं, फॉलोअर बेस बन गया है, पीपल लुक अप टू अदर पीपल, यार ये जो बोल रहे हैं इनका 1 मिलियन फॉलोअर है या 5 मिलियन फॉलोअर है, ये सच ही बोल रहे होंगे, इनको तो कितने लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट, आज कोई शाहरुख खान आके अगर वो गुटखा वगैरह कुछ सेल्स, पान मसाला एंड ऑल दैट, तो अगर कोई जो पान मसाला खाता है तो अपने घर पे जा कहेगा कि शाहरुख खान खा रहा है, अजय देवगन खा रहा है, अक्षय कुमार खा रहा है, तो मैं क्यों रखूँ ना। देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो जो लोग मिसलीड होते हैं उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं कर रहे ना। तो दैट इज द रॉन्ग पीपल इन जनरल आर नॉर्मल, उनको लगता है कि बहुत भोले भाले होते हैं, बट थोड़ा कई लोगों में लालच भी आ जाता है कि शायद जल्दी अमीर होना का तरीका है और ये हमें बता देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपको कोई भी अमीर नहीं कर सकता है। द ओनली वे टू गेट रिच इज वर्क वर्क वर्क। मैं दिन में 12 से 14 घंटा काम करता हूँ सर, आई एम अ वर्कहोलिक, और 2006 से, इनफैक्ट उससे भी पहले से, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई मीन वर्कहोलिक इज अ नेगेटिव वर्ड बट आई लव व्हाट आई डू, और जो लोग अपने पैशन को पा गए हैं, आई मीन दैट्स व्हाई यू हियर दैट, ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा बट अपने आप को पा लेना ना कि तुम क्यों आए थे जिंदगी में। अगर तुम सही समय पे पा गए, जितनी जल्दी पा गए, तुम्हारे पास उतना ही समय बाकी है
उस चीज़ को और बड़ा करने का। तो उस बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज लकी इनफ कि मैं सही टाइम पे पा पाया उस चीज़ को, एंड दैट्स वाई आई वर्क। अब मेहनत करके ही सर कुछ किया जा सकता है, क्विक गेट क्विक रिच स्कीम्स जो होती हैं ना वो नुकसान ही बन जाती हैं, इसीलिए लोग, जो आपका मेन सवाल है, इसलिए लोगों के साथ नुकसान होता है। आप कई ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो फेक स्क्रीनशॉट या फेक पैनल वगैरह दिखाते हैं, लोग ऐसा करते क्यों हैं? उनको भी जल्दी अमीर होना है सर, दिखा के कैसे अमीर होना है सर? एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट क्विक रिच स्कीम्स, दोनों साइड हैं सर, यू डू अंडरस्टैंड दिस। आपको भी, सबको ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंसर या आउटसाइड यूट्यूब या इंस्टाग्राम कम्युनिटी आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है वो भी आप ही की नैया में है। और बहला के वो क्या हासिल करेगा? पैसा, आप ही से, आपको बहला के। थ्रू कोर्सेज, थ्रू व्यूज। कोर्सेज गलत नहीं होते हैं, लेकिन कोर्सेज के नाम पे जो टिप्स वगैरह बेची जाती है, कोर्स कुछ नहीं होता उनके पास, उनके पास लेवल्स होते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सॉरी योर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें आपको जो बताया जाता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज बुलशिट। तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम टिप्स दे रहे हो, सेबी आरए का रेगुलेशन 2014 का है, तुम वायलेट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो ये कर करके पैकेज 5 से लेके 50,000 के आई नो जो भी वैल्यू हो सकती है बेचते हैं। अब जो बच्चा या जो स्टूडेंट या जो रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर उनकी बातों में आके उनको पैसा दे रहा है, वो अमीर पता बने ना बने, लेकिन जो यूट्यूबर इंस्टाग्रामर या ट्विटर वो बन रहा है। कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में बताना चाहोगे? कितने तो हैं सर, कुछ नाम लेके हमारे चैनल से कितने तो बता चुका हूँ मैं आपको, जैसे इधर भी बताते हैं, ट्रेड विद सुनील बता चुके हैं, जाके हमारा स्टूडेंट, आपने पता नहीं कुछ लोगों ने देखा होगा शायद वो वीडियो, ट्रेड विद सुनील इज वन प्राइम एग्जाम्पल, ऐसा 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ऐसा कोई इंस्टाग्रामर है वो, ही इज नॉट अ बिग यूट्यूबर और समथिंग, बट ही इज प्रॉपर मिसलीडर। और हमने अपना एम्प्लॉई उनके बैच में एज ए स्टूडेंट बना के भेजा था दिल्ली, दिल्ली के एक एरिया के गांव में, एक महीना रहा है वो, एक क्लास लगाने नहीं गया, एक महीना वो एम्प्लॉई हमारा एज ए स्टूडेंट, हमने फीस भरी है कैश में, वो कैश में फीस लेते हैं, तब लेते थे जब हमारा बैच था, ले ही नहीं रहे थे ऑनलाइन, पता है ना कि उनको GST वगैरह भरना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैश में पैसा लिया है, लड़का हॉस्टल में रहा है हमारा और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में रहा है, ही अंडरस्टूड द होल थिंग, प्रॉपर वीडियोज़, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स, प्रॉपर फोटोग्राफ्स खींच के लाया है वो, तो उसके बाद हमने वीडियो बनाया। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, आपको 20-25 एग्जांपल आराम से मिल जाएंगे। पॉप ऑफ चार्ट 4 बार उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक नेम्स वी कैन गो ऑन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर जस्ट नेम्स, ये सिर्फ नाम है, ये पात्र हैं, ये करेक्टर्स हैं, ये बदलते रहेंगे, आज ये हैं कल वो हैं, आज पॉप ऑफ चार्ट है कल पॉप ऑफ चार्ट होगा, नाम बदलता रहेगा, काम वही रहेगा, आपको बस बदलना है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रेडर की एजुकेशन है, उसकी अवेयरनेस है, उसके बीच में रहना है। मैं आपको गारंटी, स्टॉक मार्केट में किसी बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं बाहर होकर दे सकता हूं कि अगर आप इन तरह की चीज़ों में नहीं फंसते हो ना, देर इज़ ए ह्यूज चांस कि आप एक लॉन्ग टर्म में एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पर बना सकते हो। लेकिन जितनी जल्दी आप अमीर बनने की कोशिश करोगे, उतनी आपके हाथ में वो है, आप अपनी कब्र खोद रहे हो एक तरीके से, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, आप कबर ही खोदे जा रहे हो, डोंट डू दैट, ये गलत रास्ता है। तो ये जो आप एक्सपोज करते हो इस तरीके से, एनालिसिस वगैरह लोगों के बारे में करते हो, उसके बाद सेबी तक भी बात पहुंचाते हो आप? सेबी तक ही पहुंचाते हैं सबके, अब तो हम थोड़ा आगे भी जाने लग गए हैं। अभी तक हम 15-20 सी एम, इसको एक्सपोज वर्ड ना बड़ा वो ग्लोरीफाइड वर्ड है, ये कोई एक्सपोज नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसको? दिस इज नॉर्मल रिसर्च ऑफ पीपल हु आर वायलेटिंग रेगुलेशंस। स्टिंग ऑपरेशन? कुछ स्टिंग ऑपरेशन नहीं, सी ये फैंसी वर्ड्स हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इस चीज को बेचने की कोशिश नहीं करते हैं हम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट ये जो वीडियो बनता है ना, इसके लिए ये बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आती है इन चीज़ों को लेके। आई मीन आई एम सीइंग समबडी जो कह रहा है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, आई एम सीइंग समवन जो, अनफॉर्चुनेटली मैं 2 suicides देख चुका हूँ, 2 suicides हो गई हैं जितना मुझे, हमें तुम्हारे तक पहुँची है, सुसाइड्स रोज होती हैं स्टॉक मार्केट को लेके। आई हैव टॉक टू द फैमिलीज ऑफ 2 people सुसाइड कर दिया क्योंकि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, क्यों? किसी ने बोल दिया था अमीर जल्दी हो जाना है। सो दैट्स नॉट द पॉइंट,
ये बहुत नेगेटिव फॉर्मेट ऑफ कंटेंट होता है फॉर द पीपल हु क्रिएटेड, जो बनाते हैं इस तरह के कंटेंट को, और बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, उनको पे करते हैं, हम अपना पैसा देते हैं उनको, उनके ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं, मतलब हमें कोई और काम नहीं है क्या? हम आई एम एन MBA, आई एम 41 ईयर्स ओल्ड, आई कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, बट आई हैव चोजन टू डू दिस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें बहुत कुछ जाता है हमारा। पैसा तो जा ही रहा है, टाइम भी जा रहा है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। जो चीजें हम देखते हैं वो वाइव्स घर पे भी लेके आते हैं, कहीं और भी समाज में भी लेके आते हैं। वी डोंट नीड दिस। तो ये क्या है, समाज सेवा? समाज सेवा नहीं है फिर। इवेंचुअली दिस इज ऑल बिजनेस। इसे आप रेवेन्यू कैसे बनाते हो अगर ये बिजनेस है तो?